हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जारविस कैंपस। हमने हमारे लास्ट वीडियो में देखा कि कैसे जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो लेबर को ज़्यादा प्रेफर कर रहे थे कंपेयर टू मशीन्स, और हमने उनके रीजंस भी देखे थे। तो हमने ये सोचा कि जहाँ वर्कर्स को इतना काम मिल रहा है तो उनकी ज़िंदगी भी काफ़ी मस्त रही होगी, मगर ऐसा नहीं था। वर्कर्स की जो लाइफ थी वो इतनी आसान नहीं थी। हमने देखा कि कई सारे जो लोग थे वो सिटीज़ की तरफ मूव कर रहे थे काम ढूंढने के लिए, जिसकी वजह से सिटीज़ में लेबर काफ़ी ज़्यादा हो गए थे और लेबर का कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा हो रहा था। इसलिए हर किसी को जॉब मिलना इतना आसान नहीं था, या यूँ कहो कि सबको जॉब मिल भी नहीं रही थी। सिटीज़ में आपको जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी ये इस चीज़ पर निर्भर करता था कि आपका नेटवर्क कितना बड़ा है, आपके सोशल कनेक्शंस कितने ज़्यादा हैं, आपके फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव्स कितने ज़्यादा हैं और वो कौन कौन सी कंपनीज में लगे हुए हैं। अगर आपका कोई दोस्त या रिलेटिव किसी कंपनी में काम कर रहा होता था तो आपको जल्दी काम मिल जाता था। पर हमें पता है कि हर किसी के सोशल कनेक्शन इतने ज़्यादा नहीं होते, और इसलिए हर किसी के रिलेटिव्स कंपनी में काम भी नहीं करते थे, जिसकी वजह से हर किसी को काम नहीं मिलता था। और कभी कभार तो लोगों को हफ्ते महीने लग जाते थे काम ढूंढने के लिए। इस काम को ढूंढने के दौरान ये लोग ब्रिजेस के नीचे सोते थे, नाइट शेल्टर्स में रुकते थे या नाइट रिफ्यूजीज़ में रुकते थे। और इतनी ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी महीनों के बाद अगर इन्हें काम मिल भी जाता था तो काम सीजनल होता था, यानी वो कुछ महीने के लिए मिलता था। जैसे दिसंबर में गैस वर्कर्स की डिमांड काफ़ी ज़्यादा हो जाती है या ब्रूवेरीज़ की डिमांड काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, तो उस सीज़न में, विंटर सीज़न में लोगों को काम मिलता था। जैसे सीज़न ख़त्म, काम से निकाल दिया जाता था, तो फिर लोग दूसरे काम ढूंढते थे। कुछ लोग छोटे मोटे काम करने के लिए तैयार हो जाते थे, कुछ लोग अपने गाँव वापस चले जाते थे, जिसकी वजह से वर्कर्स को काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती थी। तो अब सवाल ये आता है कि भाई जिन वर्कर्स की इतनी ज़्यादा डिमांड थी, उनको काम नहीं मिल रहा था, उनको इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही थी, तो क्या गवर्नमेंट ने कोई स्टेप नहीं लिए इनकी कंडीशन सुधारने के लिए? इस सवाल का जवाब देंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।